बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 23 जून को पटना में देश की सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक होने वाली है। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने करारा तंज कसा है। गुरुवार को चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफ बिहार में पुल नहीं बना पा रहे हैं और चले हैं विपक्षी ब्रिज बनाने, जिस पर नीतीश कुमार का बनाया हुआ निर्माणाधीन पुल धराशाही हो गया, उसी तरह विपक्षी एकता का ब्रिज भी ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया, ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमती का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा, और विपक्षी एकता बंद इसको बेटा दीजिए। विपक्षी एकता की जहाँ तक आपने बात की भाई, महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। गिरिराज जी, एक सवाल है, आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई, मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन दल की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत यह है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि वो सब गलत है।